बाला में किसान ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। ट्रेन की पटरी से पुलिस को किसान द्वारा लिखा सुसाइड नोट भी मिला है। मृतक सुरजीत के परिजन ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके जीजा सुरजीत कुमार, जो कि राव माजरा के रहने वाले हैं, ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। जहां पर आत्महत्या की, वहां पर एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें गांव के ही कुछ लोगों का उन्होंने नाम लिखा है और उनको ही अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। गाँव के कुछ लोगों ने इनके खिलाफ झूठी FIR करवा दी थी। समझौते के नाम पर 2 लाख रुपए मांग रहे थे, जिसके दबाव के चलते इन्होंने आत्महत्या कर ली। इनके सामने आकर अंबाला के एक किसान ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। GRP पुलिस को ये सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति का शव 2 हिस्सों में कटा हुआ गांव तडवाल रेलवे लाइन के पास पड़ा है और उसके पास एक सुसाइड नोट भी है, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और उसकी शिनाख्त गांव राव माजरा के निवासी किसान के रूप में हुई है। फिलहाल सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आगे की जाँच शुरू कर दी है। मेरा नाम सन्नी उपाध्याय है। मेरे जीजा जी सुरजीत कुमार है, जो गांव राव माजरा के रहने वाले थे, उन्होंने गांव के कुछ लोगों के दबाव में आकर और आत्महत्या कर ली है, जिसमें सुसाइड नोट लिखा गया है। सुसाइड नोट में भी उनके नाम है। सर, आप क्या चलते हैं? हम तो सरकार से, प्रशासन से हाथ जोड़कर अपील है कि उनके दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमें इंसाफ मिल जाए। सर, क्या वजह रही है सुसाइड की? इन्होंने काफ़ी दिन पहले जो है मेरे जीजा को और मेरी बहन को घर पे आके मारा भी था, बच्चियों को भी मारा था। उसके जो है FIR भी की गई थी। उस पे FIR पे जो है सामाजिक दबाव, जैसे गांव वाले का जो प्रेशर था, उसके दबाव में फैसला कर लिया गया था। उसके बाद फिर इन्होंने आपसी रंजिश के कारण चलते, ये काफ़ी टाइम से रंजिश चल रही थी, उसके चलते चलते इनके मतलब माइंड में जो एक प्रेशर डालना शुरू कर दिया था और झूठी FIR दोबारा करा दी थी उन्होंने। उसके बाद जो है FIR कराने के बाद इन्होंने 2 लाख रुपए की मेरे जीजा जी से मांग की, जो वो मेरे को बताते रहते थे फ़ोन पे। मैंने उनको बोला था कि आप टेंशन ना लो, झूठी FIR है, कुछ नहीं होगा। लेकिन उनके माइंड में जो प्रेशर इन्होंने डालते रहे बार बार, इसकी वजह से उन्होंने यह कदम उठाना पड़ा। 12/9 को एक नियमित प्राप्त रेलवे से और किलोमीटर नंबर 244 का 20/22 बिटवीन केसरी बड़ा के बीच मारकंडा पुल के ऊपर के पास, बिल्कुल नियर मंदिर के पास तंदवाल साइड में, तो मौके पर गए तो वहाँ पे एक व्यक्ति की लाश, मतलब कि ऐसा पट्टी हो रहा है कि बंदा सुसाइड किया उसने, कि कटी हुई उसकी घर से रेलवे बीच में लेटा हुआ ट्रेन जाम के बीच में, और उसका सुसाइड नोट जो पुल की पिलर है उसके पास रखा हुआ था और उसका मोबाइल फ़ोन में रखा हुआ था। और इस संपर्क किया गया, जिसका नाम सुरजीत था, गाँव राव माजरा का रहने वाला है। उसकी पत्नी रीटा द्वारा दरखास्त दी गई, जो उसके पारिवारिक संबंधी हैं, जो तंकिया, उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। 3-6 का मुकदमा दर्ज करके आगामी कार्रवाई अमल में आ जाएगी। इन 9 आदमियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। क्या कुछ आरोप लगाए गए? इसमें वो तंग करने का आरोप है, बाकी जाँच के बाद मालूम हुआ कि क्या हकीकत क्या है। बाकी पैसे लेने का मतलब लिखा है, जो कि अभी साबुत उठाए जाएंगे तो आगे आगामी कार्रवाई अमल ले जाएगी। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉइड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।